आज हम बनाने वाले हैं मटन। हमारा मटन लगभग 1.5 केजी है। उसके लिए हम इतना सा प्याज लेंगे, लगभग 1 केजी के बराबर प्याज ले लेंगे। और प्याज को हम पहले 3 भाग में बांट लेते हैं। यह है हमारा मटन का मसाला। हल्दी 1 चम्मच, मिर्च 3 चम्मच है, जीरा मरीच 1 चम्मच है, लहसुन पेस्ट और अदरक ग्रेट किया हुआ है, धनिया 1 चम्मच है और नमक है स्वाद के हिसाब से। कढ़ाई को हम गर्म कर लेते हैं और उसमें तेल डालेंगे। तेल में हम डालेंगे 4 सूखी मिर्च और 3-4 तेज पत्ता है। तेल हमारा गर्म हो गया, उसमें पहले प्याज को फ्राई करके, थोड़ा सा 1/4 प्याज को फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। एकदम गोल्डन कलर का हो जाएगा तब हम प्याज को निकालेंगे। बिल्कुल ऐसे चलाते हुए हम प्याज को फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हमारा पूरा गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। जल जाएगा ना वो? हाँ हुआ? हाँ। और तेल डाल देते हैं। डालेंगे सूखी मिर्च और तेज पत्ता। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। इसमें मसाला भी ऐड कर देते हैं। और इसमें मटन भी ऐड कर देंगे। धनिया देते हैं, रेसा वाला। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसे पूरा तैयार होने में लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। ये देखिए मटन मेरा 50% पक चुका है। इसे भी और पकाएंगे। मटन को हम जितना भूनें उतना ही टेस्टी बनेगा। ये हमारा मटन देखिए कितना टेस्टी मटन बनके तैयार हुआ है। ऐसे हम जो प्याज भून करके रखे थे उससे गार्निशिंग कर देंगे। ये हमारा टेस्टी मटन बनके तैयार हो गया है। आप भी इसी तरीके से मटन घर में बनाएं, लाइक सब्सक्राइब करें, हमें भी आगे बढ़ने का मौका दें। बहुत ही टेस्टी बना है।